जब से एनसीबी ने सारे जितने भी ड्रग सप्लायर्स हैं मुंबई में उनको अरेस्ट करना चालू किया है, उसी के चलते एनसीबी ने एक टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट किया है। जी हाँ, एक टैक्सी ड्राइवर। अब आप सोच रहे होंगे टैक्सी ड्राइवर है आम बात है, लेकिन नहीं, ये टैक्सी ड्राइवर को जिस जगह से अरेस्ट किया है वो सबसे चौंकाने वाली बात है। अब ये खबर दो दिन पुरानी है, गुरुवार के दिन है, गुरुवार की खबर है ये। एनसीबी ने लैमिंगटन रोड पे एक नतानी हाइट्स करके एक हाई राइज अपार्टमेंट्स है जो कि 60 फ्लोर्स का है, जी हाँ 60 मंजिला अपार्टमेंट नतानी हाइट्स, उसके 25वें मंजिल पे ये नवाब शेख नाम का एक ड्रग सप्लायर रहता था। उसमें वो नवाब शेख 2 BHK अपार्टमेंट को रेंट आउट किया था, और उस रेंट आउट पे उस जो भाड़ा देता था वो वहाँ पे भाड़ा यानी कि रेंट, उसका हर महीने का जो भाड़ा है वो है 70,000 रुपये। जी हाँ 70,000 रुपये। अब आप सोचिए, एक टैक्सी ड्राइवर जो साथ साथ में ड्रग्स भी बेचता था और ड्रग्स बेचते 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 इतना पैसा कमा लिया कि वो नतानी हाइट्स के 60 मंजिले के इमारत में 25वें फ्लोर पे 2 BHK अपार्टमेंट को रेंट आउट कर लिया उसने। बताइए, अब ये खबर है ना चौंकाने वाला। अब इस खबर को किसी न्यूज़ चैनल ने या किसी व्यक्ति ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, किसी ने ज़्यादा उछाला भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया इस खबर को। ये खबर आई, छपी और चली गई, क्योंकि ये व्यक्ति जो है कोई स्टार नहीं था या फिर कोई भारतीय सिंह नहीं थी जिस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए इस खबर को। अब ये तो हुई छोटी सी बात, अब आगे क्या क्या है। जब एनसीबी ने उसे घर पे रेड डाला तो उसके घर से LSD और MD मियाँ मियाँ इन सारे ड्रग्स के बरामद किए गए। अब जब उसके घर पे रेड डाला गया तो वो जिस नतानी हाइट्स में वो रहता था उसके साथ साथ उसके परिवार के लोग भी उसके साथ रहते थे, उसकी बेटे हो गए, उसकी बहू हो गई। और तो और आप ये सोच के हैरान हो जाओगे कि इस गोरख धंधे में उसने अपने बेटे और बहू को भी शामिल कर लिया था। जी हाँ बेटे और बहू को भी। अब आप सोचिए किस प्रकार का ये व्यक्ति है जो अपने बेटे और बहू को भी इस ड्रग सप्लाई के धंधे पर शामिल किया गया है। और एनसीबी ने जब आगे और छानबीन किया इस व्यक्ति को लेकर और इसके बैंक अकाउंट्स पे जब खंगालने चालू किए, और एनसीबी ने जिस बैंक अकाउंट पे इसका खाता है, जिस बैंक में इसका खाता है, उस बैंक को भी एक लेटर लिखा गया है कि इसने जितने भी अब तक ट्रांजैक्शंस हैं उन सब के डिटेल्स दिए जाए, और इसने अब तक जितने भी लोन लिए हैं उसके भी डिटेल्स उनको चाहिए। और तो और एनसीबी ने जब और घेरी छानबीन की तो इस नवाब शेख के बंदे के पास से 2 हाई एंड कार्स यानी कि BMW और ऑडी जो होते वो भी बरामद किए गए हैं। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो टैक्सी भी चलाता है, ड्रग्स भी सप्लाई करता है, और नतानी हाइट्स के 60 मंजिले इमारत पे 25वें फ्लोर पे 70,000 रुपये महीना किराया भी देता है। अब सोचिए किस प्रकार का ये व्यक्ति है और अपने बहू बेटियों को भी इस धंधे पे लगा रखा हुआ है ना कमाल की बात और हैरान करने की बात कि किस प्रकार का ये घटिया आदमी है ये। और तो और जब एनसीबी ने इससे पूछताछ की तो इससे तो इस नवाब शेख ने एक व्यक्ति का नाम लिया जो मुंबई में सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है, और जब एनसीबी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तब जितने भी ड्रग कार्टेल है मुंबई में उन सबको एक बड़ा झटका लगने वाला है इस गिरफ्तारी के बाद से, जो ये व्यक्ति का नाम इसने लिया है। अब समीर वानखेड़े ने एक और बात कहा है इस व्यक्ति को लेकर। जिस दिन गिरफ्तारी हुई गुरुवार के दिन, उसी दिन समीर वानखेड़े के नवाब शेख है उसके साथ साथ एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया उसी अपार्टमेंट पे, उसी नतानी हाइट्स पे। वो व्यक्ति उसका ड्रग सप्लायर था। जी हाँ, वो नवाब शेख इस व्यक्ति को, जो इस बंदे का नाम है फारूक चौधरी, इस फारूक चौधरी को ड्रग सप्लाई करता था, और ये फारूक चौधरी आगे जितनी भी उसके क्लाइंट्स हैं उसको ड्रग सप्लाई करता था। तो आप सोचिए, ये बंदा नवाब शेख एक पॉश हाई एंड अपार्टमेंट पे रहता था और फारूक चौधरी को ड्रग सप्लाई देता था और वो ड्रग्स आगे बेचता था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा
कि एक हाई एंड मकान में रहने वाला बंदा ऐसा घिनौना और घटिया हरकत भी कर सकता है ड्रग सप्लाई का। और जब ये खबर आई तो उस सोसाइटी में रहने वाले लोग भी काफ़ी हैरान हो गए कि एक ऐसा परिवार भी उनके सोसाइटी में रहता है जो ड्रग सप्लाई करता था। अब ये खबर किसी ने ज़्यादा चलाई नहीं और किसी ने ज़्यादा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस खबर के ऊपर। क्यों? क्योंकि कोई ये एक्टर नहीं था, ना ही कोई ये फिल्म भारती सिंह है जिस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए इस खबर को लेकर। अब इस खबर को लेकर आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और जो भी होगा हम इसकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।